है प्रधान जी कार्य करवा रहे हैं यहाँ पर? बहुत काम करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा काम करवा रहे हैं। विकास के नाम पर आज तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में गांव की पंचायत। गांव-गांव हम घूम के देख रहे हैं कि जो हरिद्वार जिले के गांव हैं, क्या सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाता है पंचायतों को, ग्राम प्रधानों को, क्या वो सही तरीके से लग रहा है नहीं लग रहा? क्योंकि देश की आज़ादी के बाद बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई हैं इस देश में जो कि गाँव की व्यवस्था को देखे, गाँव की स्थिति में सुधार लाए, लेकिन आज भी व्यवस्था वैसी ही दिख रही है। सरकारें इतना पैसा खर्च करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान चलाते चलाते थक गए, लेकिन व्यवस्था आप देखिए इस गांव की, कूड़ा आप देख सकते हैं इस गांव में पूरा लगा पड़ा है। ये देखिए, बिल्कुल हम कैमरे पर दिखा रहे हैं कूड़े की जो हालत है। लेकिन और कल 2 अक्टूबर है, स्वच्छ भारत अभियान, लोग बड़े बड़े लोग झाड़ू लेकर खड़े हो जाएंगे कल भारत को स्वच्छ करने के लिए, लेकिन जो हालत है अभी आप देख सकते हैं। इधर आप देखिए, शिवम से कहूँगा, शिवम इधर भी दिखाइए, ये बिल्कुल रोड के बिल्कुल बगल में कूड़ा पड़ा हुआ है इस गांव के, मेवड़ गांव है ये। हम सर से जानेंगे, सर हमारे साथ खड़े हुए हैं। सर आपका शुभ नाम? सुमित पंडित। सुमित जी, ये गांव की व्यवस्था कैसी है? सारी नालियां हम देख रहे हैं, नालियां भी ऐसी ही हैं और ये सब ऐसी पड़ा हुआ है जो कैमरे पे हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। ये कब से है सर? विकास के नाम पर आज तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, जो सरकारें इतना पैसा भेजती हैं गाँव के विकास के लिए, वो लगता कहाँ है फिर? आज तक कुछ भी नहीं हो पाया इस गाँव में। तो 5 साल तो एक प्रधान को हो गए और भी जो जितने प्रधान बने किसी ने कुछ आज तक कराई नहीं इसमें। अभी पूछ रहे आपसे, ना तो आज तक सड़क बनी कोई और ना ही कुछ, वो कहना कोई प्रधान करना चाहता है यहाँ पर। सरकारें जो है सर इतना सामने जो जोड़ देख रहे हैं, ये भी 14 बीघे 4 बिस्से का है। अच्छा, आज की डेट में आप देख लो आप कितने बिस्से का लाया गया। और आप जो कूड़ा आप देख ही रहे, क्या इससे जो है, क्या सरकार को जो है ये नहीं देखना चाहिए, कहना जो है इससे भी कोई जो कहना बीमारी फैल लगी नहीं फैल लगी? लेकिन सर सरकारों ने जो जिम्मेदारी दी है वो लोकल गवर्नमेंट को, जो प्रधान बनाए हैं, पंचायतें बनाई है, वो इसीलिए तो बनाई है गाँव के विकास के लिए, वो लोग कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे? छिड़काव केवल जो 2 बार हुआ, केवल वो जो फिनाइल गिर का जो पानी का हुआ केवल। अच्छा, लेकिन बजट में तो बहुत पैसा ही आता है। वो तो प्रधान जानता होगा या फिर ब्लॉक वाले जानते होंगे। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। महिलाओं का आगे आना बहुत ज़रूरी, महिलाओं का बहुत सम्मान। क्या स्थिति है यहाँ पर इस गांव की? देखो, देख ही रही है तो क्या हो रहा है, किसके पैसा आ रहा है, क्या गरीब के लिए कर रहे हैं, क्या सफाई के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। क्या होता, कहाँ जा रहा है पैसा, हमें क्या पता कहाँ जाता है, हमारे लिए तो कुछ नहीं फर्क कर पाए। अच्छा, गाँव की हालत हम देख रहे हैं, इस तरफ ही कूड़ा कब से पड़ा हुआ है? काफ़ी दिनों से। और कल जैसे 2 अक्टूबर भी है, स्वच्छ भारत लोग अभियान चलाएंगे, लेकिन उसके बाद भी ये कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। हाँ, ऐसे पड़ा 40-45 साल का से होता है, देखते आ रहे हैं हम तो। गांव गांव घूमने के बाद हम जो देख पा रहे हैं, कई गांव में शौचालय भी बने हैं, जो भारत सरकार की जो योजना थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना थी स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाना, तो हमें इस गांव में शौचालय बना हुआ मिला। ये आप देख सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये शौचालय बनाया गया है। केंद्र सरकार की जो योजना थी, प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था योजना का, वो बना हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। गाँव मेवड़ गाँव में हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर दोपहर का समय हो रहा है, तो कुछ लोग हमें मिल रहे हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतपाल है। अरे सतपाल साहब, शौचालय हमने देख लिया, और जो गांव की स्थिति है, प्रधान जी कार्य करवा रहे हैं यहाँ पर? बहुत काम करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं। अच्छा, और जो हमने देखा कई बार, कई नालों की व्यवस्था भी देखी, नाले थोड़े ठप हैं, तो उन पर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? ना, अभी उन पर कार्रवाई नहीं हुई, ऊपर से आदेश नहीं आए जी अभी। अच्छा, हाँ जी। लेकिन जो गाँव का जो विकास है, जो सौंपा गया है प्रधान जी के हाथों में, वो करवा रहे हैं? वो पूरा काम चल रहा है। अच्छा जी।
और लॉकडाउन में जिस तरीके से लॉकडाउन अभी गुजरा कोरोना का टाइम पे, तो राशन वगैरह कुछ बटवाए? नहीं, ठीक आ रहा है राशन, सब कुछ सब सही है, सब ठीक है, सब इससे ठीक है। अच्छा, और जो हम शौचालय देख रहे हैं, शौचालय कितने गाँव में बन गए लगभग? करीब करीब जिसके यहाँ नहीं सबके शौचालय बन गए जी, जिसके यहाँ। आज़ादी के बाद से इतनी कमेटियाँ इस देश में बनाई गई गाँव के विकास के लिए कि गाँव की स्थिति जो है सुधरे, क्योंकि जो गांधी जी थे, गांधी जी बोलते थे कि अगर असली भारत आपको देखना है तो गांव में जाकर आप देखिए, तो हम उसी भारत को तलाश कर रहे हैं कि वो गांव में जो उन्होंने बात कही थी कि वो भारत गांव में दिखता है, लेकिन वो इस हालत में दिख रहा है, बड़े अफसोस की बात है। इसमें सोचना चाहिए सरकारों को भी, और जो गवर्नमेंट बनाई है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो बनाई है, उनको भी देखना चाहिए कि क्या हालत है। इस गांव के दूसरे हिस्से को भी हमने दिखाया आपको, और ऐसे ही हम आगे भी गांव के हिस्सों को आपको दिखाते रहेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, कौन से गांव में हमें आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।